वैसे दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, मार्केट में जो नए नए स्मार्टफोन की जो कंपनियां आ रही हैं वो कम प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशंस लेकर के आ रही हैं। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे ही स्मार्टफोन कंपनी के बारे में बताने वाला हूं जिसका हो सकता है नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर सुना होगा तो मुझे जरूर से कॉमेंट सेक्शन में बता देना। जी फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ टेक्नो। ये टेक्नो एक स्मार्टफोन कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है। आपको बता दूँ, हाल ही में टेक्नो ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है जिसका नाम है टेक्नो कैनन 12 एयर। इस स्मार्टफोन में आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, ट्रिपल कैमरा आपको बैक में देखने को मिलता है और ये स्मार्टफोन की जो कीमत है वो 10,000 रुपये के नीचे रखी गई है। 10,000 रुपये के नीचे किसी भी स्मार्टफोन में आपको पंच होल डिस्प्ले नहीं मिलती है। और मैं आपको बता दूं, टेक्नो का जो टारगेट है वो सारे के सारे ऑफलाइन स्टोर पर रहता है, ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलते हैं मोबाइल। तो उन लोगों के लिए अच्छी बात है जो लोग ऑनलाइन खरीदना नहीं पसंद करते हैं, ऑफलाइन खरीदना पसंद करते हैं। तो जाकर के आप जितने भी ऑफलाइन स्टोर है वो सब पे आपको ये टेक्नो का कैनन 12 ईयर स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप इजी तरीके से इसको परचेज कर सकेंगे। लेकिन परचेज करने से पहले इस वीडियो में जान लीजिए कि इस स्मार्टफोन में क्या क्या सारी की सारी अच्छी चीज़ें दी गई हैं। तो फटाफट से मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दे देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पर। जब फ्रेंड, सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे टेक्नो के कैनन 12 ईयर के डिज़ाइन के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं वो सारे के सारे आप देख पा रहे हैं इसी डिज़ाइन को लेकर के आ रहे हैं। साइड में आपको ट्रिपल कैमरे दिए गए, बैक में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। मैं बात करूँ यहाँ पे इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में, तो 6.55 इंच की आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और ये डिस्प्ले आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है। कंपनी ने इस डिस्प्ले का नाम दिया है डॉट डिस्प्ले। जी फ्रेंड्स, तो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा कमाल की दी गई है आपको, जैसा कि दिख पा रहा है 10,000 रुपये के नीचे किसी भी स्मार्टफोन में इस तरीके की डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिलती है। तो डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी को लेकर के मैं तो जबरदस्त एक तरीके से थम्सअप देना चाहूँगा टेक्नो की तरफ से कंपनी को। क्या आप देना चाहते हैं तो जरूर से दे दीजिए। और मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको बैक में फिंगरप्रिंट तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ इसमें आपको फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये 4GB 64GB स्टोरेज के साथ आएगा और इसमें आपको माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा। मतलब आपको इसमें 3 स्लॉट देखने को मिलते हैं जो कि मेरे हिसाब से सारे स्मार्टफोन में होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जोर से प्रेस कर ले और हाँ ऑल पे क्लिक करना ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाए जैसे हम वीडियो को अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके प्रोसेसर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको हीलियो का P22 प्रोसेसर भी आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों बात करें हम लोग यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में, तो इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, USB पोर्ट देखने को मिल जाता है और इसमें आपको 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है। तो बैटरी लार्ज है 4000 mAh की। साथ ही साथ कंपनी का ये भी दावा है कि ये आपकी 12 आवर वीडियो प्ले करेगी, मतलब 12 घंटे तक आप इसमें कंटिन्यू वीडियो देख सकते हैं। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसके हाईलाइट फीचर्स के। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ कैमरे को लेकर के। इसमें आपको बैक में ट्रिपल कैमरे देखने को मिल जाते हैं, 16 मेगापिक्सल का इसमें आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का इसमें आपको माइक्रो शॉट देखने को मिल जाता है, 5 मेगापिक्सल का इसमें आपको वाइड एंगल सपोर्ट देखने को मिलता है। तो बैक के कैमरे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट दिए गए। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूँ इसके फ्रंट कैमरे की, तो इसमें आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है जो कि पंच होल डिस्प्ले के साथ आती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कैमरे इस स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिए गए हैं। और दोस्तों अब मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी प्राइस के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फिर बता रहा हूँ, 4GB 64GB वाला एक ही वेरियंट है इसमें जिसकी प्राइस है 9999, मतलब 9999 रुपये। 10,000 रुपये में आपको ऑफलाइन देखने को मिल जाता है। 10,000 रुपये में टेक्नो कैनन 12 ईयर आपके लिए स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है क्योंकि पंच होल डिस्प्ले के साथ आया है, ट्रिपल कैमरे बैक में दिए गए, फ्रंट कैमरा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है। तो 10,000 रुपये के अगर आप नीचे कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप जरूर से इस स्मार्टफोन को ट्राई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए पसंद आई, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर से प्रेस करना। मैं मिलूंगा आपको फिर नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड टाइम।